नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, वेलकम बैक फायर सेफ्टी क्लासेस एंड जॉब सेक्शन। दोस्तों, मैं आपके हित के लिए सोशल मीडिया पर आवाज उठा रहा हूं और उठाता रहूंगा। दोस्तों, ये वीडियो आखिरी तक देखना। इस पूरे ट्यूट का, जो आप जी राजस्थान का ट्यूट पढ़ रहे हैं, इसका पूरा मतलब बताता हूं। सरकार हमको लॉलीपॉप क्यों देना चाहती है, सरकार क्यों हमारा आंदोलन तोड़ना चाहती है, सरकार क्यों युवाओं में टकराव पैदा करना चाहती है, सरकार क्यों इस आंदोलन को रोकना चाहती है। दोस्तों, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को लेकर हमने जो आवाज उठाई थी, उसमें प्रियंका गांधी ने भी संविदा भर्ती का विरोध किया था। और आज संविदा भर्ती को लेकर प्रियंका गांधी चुपचाप बैठी हुई हैं, क्योंकि उनके वो आला कमान है राजस्थान सरकार की, राजस्थान कांग्रेस की, उसके बावजूद भी वो चुपचाप बैठी हुई हैं। कुछ न कुछ बात है, उनके कहने पर ही शिक्षा मंत्री का ये बयान आ सकता है, ऐसा भी हो सकता है। प्रदेश सरकार अब जो भी नौकरी देगी उसमें रिटायरमेंट की तारीख से पहले निकाला नहीं जाएगा, ये बात सही है। 10,000 से ज्यादा कंप्यूटर अनुदेशक की संविदा पर होनी है भर्ती। हमें कंप्यूटर अनुदेशक का पद नहीं चाहिए, हमें कंप्यूटर शिक्षक का पद चाहिए। हमें अनुदेशक नहीं चाहिए, हमें शिक्षक चाहिए। और हमें संविदा पर नहीं, परमानेंट भर्ती चाहिए, नियमित भर्ती चाहिए। शिक्षा मंत्री सुन लें, अशोक गहलोत सुन लें, राजस्थान के सारे मंत्री सुन लें, राजस्थान की पूरी सरकार सुन ले। और दोस्तों, हमें थर्ड ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में जो ग्रेड पे मिलता है वही हमें चाहिए। कंप्यूटर शिक्षक जो हमारे भाई चार चार साल की डिग्रियां करके, बीटेक करके, 10-10 लाख रुपए खर्च करके इस कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में शामिल होंगे, कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं, वो अनुदेशक बनना नहीं चाहते। दोस्तों, ये आंदोलन हमारा जारी रहेगा, हम इसकी आवाज सोशल मीडिया पर लगातार उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे, क्योंकि हम युवा भाइयों के साथ खड़े हैं। हमें सरकार पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, सरकार ऐसे बयान देकर हमारे आंदोलन को रोकना चाहती है, वो रुकना नहीं चाहिए। आप सभी से निवेदन है कि ये पूरा मैसेज युवाओं में शेयर करें, हर वर्ग में शेयर करें। और हमें राजस्थान की पूरी जनता से निवेदन करता हूं कि हमारा समर्थन करें, कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को नियमित कराने में हमारी मदद करें, क्योंकि जनता का शासन जनता के लिए होना चाहिए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।